श्रीमती जसकौर मीना जी, मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा में पेयजल संकट की इतनी गंभीर समस्या है कि आज 8 दिन में भी 1 घंटे के लिए पानी नहीं आ रहा। भूमिगत जल के स्रोत सारे सूख चुके हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मेरे यहाँ 49 ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृति दी गई, लेकिन राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण न तो वो प्रारंभ हुए और कहीं कहीं वहाँ के विधायकों द्वारा केवल पत्थर गाड़ दिया गया और स्कीम चालू होकर पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया। तो मेरा आपसे के माध्यम से अनुरोध है कि जल जीवन मिशन द्वारा स्वीकृत योजना जितनी भी है उनका शुभारंभ और उनकी पूर्णता में जब तक क्षेत्रीय सांसद को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तो मैं सोचती हूँ कि इसका सही क्रियान्विति और सही लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि जहाँ जहाँ भारत सरकार की नीतियों का धन जाता है, चाहे वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हो, चाहे अटल भूजल योजना के अंतर्गत हो, इन सभी योजनाओं को संचालित करने के साथ साथ मॉनिटरिंग में दिशा की कमेटी में हम कितनी भी बात कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ जो विरोधी सरकारें उनके कान पर जूं भी नहीं रेंगती। ऐसी स्थिति में समस्या का समाधान तभी हो सकेगा जब हम कम से कम भारत सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के साथ साथ क्षेत्रीय सांसदों को जोड़ेंगे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पेयजल संकट ये संकट आज का नहीं, बरसों से दौसा संसदीय क्षेत्र पूरा डार्क जोन है। उसमें बांदीकुई मेरा विधानसभा क्षेत्र तो ऐसा है कि जिसमें पीने का पानी दो दो तीन तीन किलोमीटर दूर से माथे पर लाया जाता है या टैंकरों से भरा जाता है। उसका निदान एक ही है कि ईसरदा बांध के माध्यम से दौसा जिले की 5 विधानसभाओं को जो पेयजल उपलब्ध होना था उसकी शीघ्रता, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार का भाग जा चुका है, तो राज्य सरकारों को भी इसके लिए प्रतिबंध किया जाए कि वो इस योजना को जल्दी से जल्दी प्रारंभ करके पेयजल की समस्या का निराकरण करे। धन्यवाद।